सेना से बर्खास्त जवान तेज बहादुर के चुनाव लड़ने के सपने पर पानी फिर गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए तेज बहादुर ने नामांकन दाखिल किया था। वहीं निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए गए दो नोटिसों का जवाब देने बुधवार को 11 बजे तेज बहादुर यादव अपने वकील के साथ आरओ से मिलने पहुंचे। इसके बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। अब शालिनी यादव सपा की तरफ से चुनावी मैदान में मोदी को टक्कर देंगी। और तलब है कि वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल 119 उम्मीदवारों में से 79 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने नामांकन फॉर्म में मिली गलतियों के आधार पर इन प्रत्याशियों के नामांकन रद्द किया है। वह इसके बाद नरेंद्र मोदी समेत 21 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। दूसरी तरफ नामांकन रद्द होने से नाराज प्रत्याशियों ने जमकर हंगामा किया। गौरतलब है कि भारतीय सेना से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन दो दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी को बदल कर तेज बहादुर को टिकट दे दिया था। वहीं मंगलवार को दाखिल नामांकन पत्र की जांच कर निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक ने नोटिस जारी करते हुए तेज से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। नोटिस में तेज को निर्देश दिया गया था कि वो BSF से NOC लेकर आए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि उन्हें नौकरी से किस वजह से बर्खास्त किया गया है। NOC जमा करने के लिए बुधवार दोपहर 11 बजे तक का समय दिया गया था। टीम खबर चौराहा।